प्रदेश के अन्य जिलों की तरह ही कोरबा जिले में भी कोरोना संक्रमण दर में उल्लेखनीय कमी आई है। जिले में स्वस्थ दर 98% तक पहुंच चुकी है। सभी कोविड अस्पतालों में अधिकतर बेड खाली है। कोरबा के 142 बिस्तरों वाले कोविड अस्पताल में वर्तमान में केवल 8 मरीज भर्ती हैं। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से टीकाकरण अभियान को भी गति दी गई है। जिला कलेक्टर रानू साहू ने बताया कि जिले के सभी गांवों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन और शिक्षकों के साथ जनप्रतिनिधियों की मदद से लोगों को टीकाकरण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। जिले में जो है कोविड का रिकवरी रेट 98% है और पॉजिटिविटी दर भी काफ़ी कम है, जो 1% से कम है। वर्तमान में हमारे जो कोविड हॉस्पिटल है उसमें मात्र 11 पेशेंट ही एडमिट हैं। और वैक्सीनेशन को लेके अभी हमने हर गांव में एक टीम का गठन किया है। सभी लोगों को, मितानिन, आंगनबाड़ी स्वास्थ्य कार्यकर्ता, टीचर्स से लेके पंचायत के जनप्रतिनिधि, सभी को हम लोगों ने जो है वैक्सीनेशन कार्य में लगाया है। और वैक्सीनेशन कि अभी तक 4 लाख से भी अधिक लोगों को, जिले की जो पॉपुलेशन है उसको वैक्सीनेशन हो चुका है और यह कार्य जो है आगे भी सतत जारी रहेगा। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बीबी बोर्डे ने बताया कि जिले में कोरोना संक्रमण की दर 1% से भी कम है। हर दिन 5 से 6 नए मरीज मिल रहे हैं। हम लोग का जो पीक था वो करीब 1200 से 1300 केसेस पर डे आते थे, लेकिन आज की डेट में हमारा 5, 6, 7 ऐसे केसेस हैं। तो अभी हमारे यहाँ की जो स्थिति है कोविड की वो कंट्रोल में चल रही है। जांच की बात, हाँ, जांच की बात मैं आपको बताना चाहूँगा। हमारे जिले का जो टारगेट है प्रतिदिन का वो करीब करीब 1760 का है और प्रतिदिन हम लोग 100% हम लोग सैम्पलिंग कर लेते हैं। गौरतलब है कि अप्रैल महीने में कोरबा जिले में हर दिन 1200 से अधिक नए मरीज मिल रहे थे।